गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लगातार वीडियोस आपके लिए आते जा रहे हैं और बेहद खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। बहुत हर्ष के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा 100वां वीडियो है। दिस इज माई 100th वीडियो For you guys, for you students, for polytechnic diploma students, English subject code 1004 और इसी में मिलते हुए वीडियो थे 101 के। दोनों कोड्स मिलाकर ये मेरा 100th वीडियो है, 100वां वीडियो है और आप लोगों के सहयोग के बिना इतने वीडियोस को बनाना असंभव था। आप सोच रहे होंगे कि हमारा क्या सहयोग है भाई, अगर आप लोग देखेंगे नहीं, अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे, अगर आप लोग मुझे फोन करके ये नहीं बताएंगे कि सर हमें आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा। आपके बहुत सारे फोन्स मुझे आते हैं, आपके पेरेंट्स के फोन मुझे आते हैं ये कहने के लिए कि सर इस लॉकडाउन पीरियड में भी जब स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, आप इतनी मेहनत के साथ जो वीडियोस हमें दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चों को दे रहे हैं, हम उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो मैं यही बोलता हूं कि सर शुक्रिया मेरा नहीं, अपने बच्चों का करें कि ऐसे लॉकडाउन पीरियड में भी एटलीस्ट वो आपके सामने बैठे हैं और पढ़ रहे हैं घर पर। उनका कहां मन लग रहा होगा घर पर, लेकिन वो यही कहते हैं कि नहीं सर बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है इन वीडियो से। और हम लोग भी कभी कभी आपकी वीडियोस देख लेते हैं, जैसा कि आपने पोएम का जब वीडियो डाला, और इनफैक्ट जब मैंने पोएम का वीडियो डाला तो पूरे दिन में जब जिस दिन वो वीडियो अपलोड हुआ था, इफ पोएम वाला, मेरे पास 50 से ज्यादा कॉल्स उस दिन आए, मैसेजेस व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज से व्हाट्सएप भर गया और सबने यही कहा कि सर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस हमें और डालिए। मैं जरूर डालूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि किसी भी बच्चे को कहीं भी बैठकर पढ़ने की सहूलियत मिल जाए, आसानी मिल जाए। इवन अगली बार भी जब स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लें तो शुरू से ही उनके पास ये कंटेंट देखने का मौका हो, क्योंकि मेरा ये मानना है एक सेमेस्टर सिस्टम में बहुत कम टाइम होता है हर बच्चे से इंटरेक्ट करने का। इसलिए एटलीस्ट अगर बच्चा इन वीडियोस को देखकर क्लास में आएगा, अगर स्टूडेंट इन वीडियोस को देखकर क्लास में बैठेगा, तो उसके साथ में टीचर को कम्युनिकेट करने में काफी आसानी हो सकती है। ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट बल्कि और टीचर्स को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियोस देखने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो ये वीडियोस देखें और बहुत कुछ सीखें। तो एक बार फिर आप सबका और मैं खुद को भी कहूंगा थैंक यू कि मैंने इस एनर्जी के साथ अपने आप को तैयार किया और आप लोगों के लिए वीडियोस मैं लेकर आया हूं। खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तालियों से एटलीस्ट हम सबका मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं और हर टीचर के लिए आप ये तालियां बजाएं जो घर बैठकर कभी कॉलेज में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर जितना हमें आता है उतना कंप्यूटर स्किल्स को यूज करते हुए अच्छे से अच्छा बेस्ट वीडियो देने की हम कोशिश करते हैं। तो इस 100वें वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसमें हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ रहे हैं। हमने जान लिया था वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स ये देखिए हमने ऐसे देखे थे। अब हम यहां पर बात करेंगे कि वर्ब्स जो हैं बेसिकली किस किस टाइप्स की होती है इंग्लिश में, और वो छोटा सा मैं आपको बताऊंगा वो जनरली क्या काम एक सेंटेंस में करती है। Different types of verbs. Finite verbs
नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहां पर फाइनाइट वर्ब्स की। फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंसेस। फाइनाइट यानी सीमित। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो रूट वर्ब्स होती हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज परफॉर्म्ड बाय और रेफर्स टू अ सब्जेक्ट एंड यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो फाइनाइट वर्ब सीमित होती हैं अपने सब्जेक्ट के साथ में, जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग या जैसा टेंस है उसी के अकॉर्डिंग उनको यूज किया जाता है। सुमित वेंट टू स्कूल, तो यहां पर हम सब्जेक्ट सुमित की बात कर रहे हैं। ये परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट, वो पास्ट में गया। दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट, ये हमें वेंट से पता चला कि वो गया था। राजेश प्लेज हॉकी, अब इस सेंटेंस को देखकर हम पहचान देते हैं कि प्लेज कब आ गया, जब सिंपल प्रेजेंट की बात की गई तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई, राजेश हॉकी खेलता है। ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, और वो भारत के लिए खेल रहा है इन दिनों। राइट, हम इज प्लेइंग के साथ में इन दिनों का भी कर सकते हैं कि इन दिनों वो भारत की टीम में खेल रहा है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यहां पर हमने स्टेट बताया, स्थिति बताई, कैसा है वो, वन ऑफ द बेस्ट, अच्छे खिलाड़ियों में से वो एक खिलाड़ी माना जाता है। ये सब क्या है आपके सामने, फाइनाइट वर्ब्स। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो नॉन फाइनाइट का मतलब जो बंधी हुई नहीं होती, जो फ्री होती हैं, जो किसी भी नंबर ऑफ पर्सन के साथ में सेम लगती हैं। इन्हें हम वर्बल्स के नाम से भी जानते हैं और बेसिकली सब्जेक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, विशाल वेंट अब्रॉड टू प्ले, विशाल विदेश गया है खेलने के लिए। अब मैं चाहे यहां पर विशाल एंड हिज ब्रदर वेंट अब्रॉड टू प्ले भी कह सकता हूं। विशाल कॉमा राजेश कॉमा संजय कॉमा विजय कॉमा राहुल एंड अमित वेंट अब्रॉड टू प्ले, इतने सारे नाम भी मैं ले लूं तब भी टू प्ले पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये किस में आ गया, नॉन फाइनाइट में। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ऐसे ही मैंने कहा प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, उसका एक ही काम है और वो है क्रिकेट खेलना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहां पर चाहे मैं हर लगाऊं चाहे कोई नाम दे दूं, प्लेइंग तो प्लेइंग ही रहेगा। आई हैव अ ब्रोकन बैट, मेरे पास एक टूटा हुआ बल्ला है। ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये ब्रोकन एक्चुअली एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, दिखने को ये वर्ब की फॉर्म है लेकिन ये एडजेक्टिव के यानी मॉडिफायर के रूप में यहां पर यूज हुआ है बैट के लिए। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग करना एक अच्छी आदत है। जीरण, जीरण के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम वर्ब में आईएनजी यानी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं नाउन के रूप में, तो वो जीरण कहलाता है, दैट इज कॉल्ड जीरण फॉर्म। नाउ एक्शन वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होती हैं जो कि किसी परफॉर्मेंस को दिखाती हैं, एक्शन के यानी वर्ब क्या कर रहा है उसके बारे में एक्यूरेटली ये बताती हैं।
एक्शन वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अर्थात जब ट्रांजिटिव वर्ब हम लगाते हैं तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक है और ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स समथिंग और समवन टू बी एक्टेड अपॉन। ट्रांजिटिव वर्ब को कुछ ना कुछ चाहिए जिसके ऊपर उसका एक्ट दिखाई दे सके, जैसे कि यहां पर है आई पेंटेड द कार। तो यहां पर पेंट जो है किसको पेंट किया बताना पड़ेगा ना, कार को, हाउस को, बॉक्स को, वो आगे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहां पर पेंटेड जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। और इज रीडिंग यहां पर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो किसी चीज के ऊपर अपना एक्शन नहीं दिखाती, वो एडजेक्टिव से फॉलो हो सकती हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच उनके बाद में आ सकता है। जैसे मैंने कहा शी स्माइल्ड, उसने स्माइल दी, किसे देखकर दी ये जरूरी नहीं है बताना, हम सिर्फ यहां तक वाक्य को रोक सकते हैं तो ये अपने आप में क्रिया यहीं रुक गई। आई वेक अप एट 6 AM, यहां भी कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए काम में आता है। अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताती है ये। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर कहूंगा आप बेसिक सेंटेंस पैटर्न के मेरे वीडियोस को आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत मजा आएगा वो देखने में। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द वर्ड्स दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स विच आर इज एम आर वॉज वर्ब। हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स विच कैन वर्क एज लिंकिंग वर्ब्स। तो यहां पर लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली बी की फॉर्म्स होती हैं, बी ई, जिसमें इज एम आर ये प्रेजेंट में होती है, वाज और वर ये पास्ट में होती है। हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स, इसके अलावा भी कुछ और रूप होते हैं लिंकिंग वर्ब्स के, जैसा कि एक्ट, फील, रिमेन, अपियर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न। जैसे मैंने कहा द मिल्क टर्न्ड सोर, दूध खराब हो गया, टर्न किसमें टर्न हो गया, वो सोर में, खट्टा हो गया, खराब हो गया। सम वर्ब इन दिस लिस्ट कैन ऑल्सो बी एक्शन वर्ब्स। टू फिगर आउट इफ दे आर लिंकिंग वर्ब्स यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विथ फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब्स इफ द चेंज्ड सेंटेंस मेक्स सेंस दैट वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब।
देखिए हम यहां पर अगर एक्शन वर्ब को देखें, कुछ शब्द एक्शन में भी आते हैं, जैसे अपियर, बिकम, जैसे ग्रो, ये एक्शन भी दिखा सकते हैं। तो हम अंतर कैसे करें? अंतर करने के लिए हम ये, जैसे ये अपियर्स है यहां पर, इसको हम इज से रिप्लेस कर सकते हैं, तो भी मीनिंग वही रहना चाहिए। जैसे शी अपियर्स रेडी फॉर द गेम, वो खेल के लिए तैयार दिख रही है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, शी इज रेडी फॉर द गेम। द फूड सीम्ड डिलीशियस, खाना अच्छा दिख रहा था। द फूड वॉज डिलीशियस। यू लुक हैप्पी, हम इसको कह सकते हैं, यू आर हैप्पी। नाउ लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, एंड ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब की सहायता करता है, उसके साथ जुड़कर उसके एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता है। जनरली बी, हैव और डू, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। दे आर यूज्ड इन द कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेज। कोई भी सेंटेंस जो कंटिन्यूअस में बनेगा और परफेक्ट में बनेगा, उन्हें हम ऑक्सिलरी के बिना नहीं बना सकते। लिंकिंग वर्ब वर्क्स एज मेन वर्ब्स, बट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प मेन वर्ब्स। जैसा ऊपर मैंने बताया, यू आर हैप्पी, इसमें आर जो है वो मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, लेकिन जब ऑक्सिलरी किसी मेन वर्ब के साथ आती है तो वो केवल और केवल उसकी हेल्प ही करेगी। जैसा फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, अमित इज गोइंग टू स्कूल, इसमें से मैं अगर गोइंग को हटा दूं और मैं ऐसे बोलूं, अमित इज टू स्कूल, तो आप कहेंगे, नो सर, ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इज केवल आईएनजी को हेल्प कर रहा है कि कार्य कैसे हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए। ऐसे ही डू की अगर बात की जाए, तो डू जो है वो प्रश्न पूछने के लिए काम आती है, नेगेटिव बनाने में काम आती है, जोर डालने में काम आती है। जैसे यस आई डू प्रैक्टिस योगा डेली, हाँ मैं रोजाना योगा का अभ्यास करता हूं। जोर दिया मैंने, एम्फेसिस किया। एग्जाम्पल देखिए, अमित इज गोइंग टू स्कूल, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आई हैव सीन अ मूवी, डू यू ड्रिंक टी। ये सब हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज डू सबमिट योर असाइनमेंट्स, ये मैंने एम्फेसिस दिया, बिल्कुल तुम्हें असाइनमेंट करना ही होगा। नाउ मॉडल वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब का एक प्रकार होती हैं, और ये जो हैं ये पॉसिबिलिटी को, पोटेंशियल को, एबिलिटी को, परमिशन को, एक्सपेक्टेशंस को और ऑब्लिगेशंस को दिखाती हैं। इनके बारे में हम सबसे लास्ट के जो वीडियोस होंगे उसमें बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस का 1004 का अंतिम टॉपिक मॉडल्स ही है, और उसी के साथ हम 1004 की वीडियोस का समापन भी करेंगे। फिर समय अनुसार प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है आपका 1009, उसके वीडियोस भी अगर समय निकला तो हम उसको इसी सेमेस्टर में, यानी इसी सेशन में ऐड करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं उन्हें ऐड करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन,
मैं तुमसे बात करना चाहूंगा दोबारा। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना ही होगा जीतने के लिए। शी शुड कॉल हिम, उसे बुला लेना चाहिए। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। फ्यूचर, आई विल गो देयर। तो क्लियरली हम यहां पर बात कर रहे हैं मॉडल्स की, एंड दीज मॉडल्स आर वेरी क्लियर टू यू नाउ। आई मे वॉन्ट, मे आ गया, मस्ट आ गया, शुड आ गया, विल आ गया। डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। जितनी भी मैंने नीचे कर्टसी लिख रखी है, बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स हमने इन साइट से लिए हैं, और आप लोग और डिटेल्स जानने के लिए इन साइट्स को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस स्टफ फॉर द स्टूडेंट्स, लर्न ग्रामर डॉट नेट। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। As I said, all these videos are non-profitable and I highly appreciate the content of your website, and we are using some examples just for the sake of teaching to students, just for their simple uses, and whenever they visit your site, they will get to know more about it. Thank you so much dear students, और 100 videos का ये सफर बहुत अच्छा रहा। आगे और 100 हम बनाएंगे जिसमें बहुत काम की चीजें आपके लिए होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। रिमेंबर सब्जेक्ट कोड 1004 और 1009 आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके वीडियोस हम बना रहे हैं 1004 के, तो उन्हें देखते रहिए, पुराने वीडियोस को भी देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर। And goodbye.